इस वक्त मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं वो सैनिटरी पैड है। उसके बाद हम लोगों को कपड़े मिलना जब कम हुए तो फिर हमने इस तरह से कॉटन खरीदा मार्केट से, उसको वॉयल के कपड़े में इसको डालकर इसको यूज़ किया। एक महिला ने कपड़ा यूज़ किया था, कपड़ा रीयूज़ किया तो उस कपड़े में सांप के छोटे छोटे अंडे आ गए थे। उस छोटे छोटे अंडे वजाइना में डेवलप हो गए और बड़ी मुश्किल से उस महिला की जान बच सकी। इसकी डेट में ये अगर कोई खरीदता है हमसे तो 20 रुपये इसकी कीमत है। 20 रुपये जो कि मुझे लगता है भारतवर्ष में कहीं नहीं है। ऐसे धारणाएं बना दी गई हैं कि पीरियड्स आता है लड़की को, चाहे वो रात के 2 बजे हो चाहे 3 बजे हो, उसे ठंडे पानी से नहाना है। ये किसी एक समाज को लेकर के नहीं बोल रहा हूँ, सबको लेकर के बोल रहा हूँ। ऐसी चीज़ें हैं। और रही बात नक्सली क्षेत्र की, तो सही में हम जिस जगह पहुँचे हैं, हमने कई नक्सली क्षेत्रों में जाके ये डिस्ट्रीब्यूट किया है या अवेयरनेस कैंप भी लगाए हैं ताकि वो 5 दिन उनको आराम मिल सके। इसलिए उनसे कहा जाता था कि आप किचन में मत जाइए, खाना नहीं छूइए, लेकिन इसको गलत रूप में कन्वर्ट किया गया कि मतलब ये इसको छुआछूत से जोड़ दिया गया कि अगर आप पीरियड्स में हो तो वहाँ नहीं छुओगे। इस वक्त मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं वो सैनिटरी पैड है, वही पैड जिसको लेकर के जब इसकी बात या इसका जिक्र किया जाता है तो थोड़ी शर्म आती है लोगों को, कुछ लोगों को। ये वही पैड है जिसके लिए सरकारें कई सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाती हैं। ये वही सैनिटरी पैड है जिसे मेडिकल वाले कागज़ में बांध कर देते हैं। ये वही सैनिटरी पैड है जब इसका जिक्र मर्दों के बीच होता है, कुछ मर्दों के बीच होता है, तो उनकी दबी मुस्कान कई सारी बातें कह जाती हैं। अवेयरनेस को लेकर के जब कोई प्रोग्राम होते हैं, जब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं सवाल भी उठते हैं। कई सारे ऐसे सवाल को लेकर के, कई सारी ऐसी कहानियों को लेकर के हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ये अनुभूति श्री फाउंडेशन है और मैं अगर यूँ कहूँ कि ये भारत में और कहीं नहीं, सिर्फ यहाँ सबसे कम कीमत में सैनिटरी पैड यहाँ मिलता है, तो ये कोई इसमें गुरेज नहीं होगा इस बात में। आपको मिलवाते हैं इंडिया की फर्स्ट वुमेन, पैड वुमेन से। आइए, जब महिलाओं के परंपराओं की बात होती है तो परंपराओं में और ट्रेडिशन में तो महिलाओं, ट्रेडिशन तो महिलाओं के वोट देने का भी नहीं था, ट्रेडिशन तो महिलाओं के दफ्तरों में काम करने का भी नहीं था, ट्रेडिशन तो बच्चियों को, महिलाओं को गर्भ में मार देने का था। लेकिन क्या देश ने उन सारे ट्रेडिशन को तज के आगे बढ़ा नहीं? क्या देश विकासशील हो करके महिलाओं को आगे लेकर के चला नहीं? ऐसी तमाम सारी कहानियों के साथ मैं सीमांत कश्यप इस जगह पे आया हुआ हूँ। मैम से बात करते हैं। मैम, जिस तरह से लगातार आप लोग, ये बुक्स भी हैं अनुभूति श्री फाउंडेशन के नाम से, अभियान रंग, कई सारे ऐसे अभियान चलाती आ रही हैं, कई समय से काम करती आ रही हैं, चाहे वो कोविड हो चाहे वो ऐसी कोई भी अवस्था हो। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इसके बारे में आप बता दें कि किस तरह से ये काम होता है, कैसे शुरुआत हुई और क्या कुछ हुआ था। नहीं, ये स्टार्ट 6 जुलाई 2016 से इसका गठन किया गया और इसके पीछे कारण ये रहा कि मैं स्वयं इससे बहुत ज़्यादा जूझी हूँ इस प्रॉब्लम से, और 2 साल मैंने इसको फेस किया, उसके बाद मुझे खुद ही यूट्रस रिमूव करवाना पड़ा। उस दौरान जो जो परेशानियाँ आई वो मेरे जहन में इस कदर बैठी थी कि मैंने कुछ सर्च किया और उसके बाद मैंने पाया कि जो इंटीरियर क्षेत्र में जो महिलाएं हैं या फिर जो रोज के कमाने वाली महिलाएं हैं वो इस दौर से गुजरती होंगी, तो उनको किस तरह से क्या क्या फ़ेस करना पड़ता है। क्योंकि मैं जिस दौरान मैंने ये फ़ेस किया उस वक्त मुझे भी रक्तस्राव काफ़ी ज़्यादा रहता था और एक दिन में कम से कम 20 पैड मैं यूज़ करती थी, और यही चीज़ मेरे जहन में रही कि जो महिलाएं कपड़े पहनने को जिनके पास नहीं होता, जो सड़कों पे रहते हैं, सड़कों पे जीवन यापन जिनका होता है,
वो इस दौरान क्या इस्तेमाल करती होंगी। तो इस तरह से हमने इसका गठन किया और इसकी शुरुआत की। इजीली कैसे मतलब अवेलेबल हो सकता है ये, जैसे कि मतलब कई जगह पे ऐसा है, शहरों में तो इजीली हो जाएगा, लोगों को पता भी है कि मेडिकल में मिलता है, और शहरों में जो बस्तियां हैं वहाँ के भी लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं हमको ये मुहैया हो जाएंगी। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो जंगल हैं, नक्सलाइट एरिया हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं अवेयरनेस अभी भी फैलाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ कि ईज़िली मिल भी नहीं पाता जी। तो किस तरह से आप वहाँ तक पहुँच रही हैं? हमने कई नक्सली क्षेत्रों में जाके ये डिस्ट्रीब्यूट किया है या अवेयरनेस कैंप भी लगाए हैं, तो इसमें हम लोगों को ITBP की टीम का सहयोग प्राप्त होता आया है और उनके सहयोग से ही हम उन तक पहुँचते हैं। और एक दिवसीय जागरूकता कैंप करने के बाद उनकी टीम भी यहाँ से लेके जाती है और हम वहाँ तक पहुँचाते हैं, या किसी के जरिए वहाँ तक पहुँचता है और वो फिर वापस जब उनका कैंप होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। राजस्थान का एक वाक्या याद आता है जहाँ पर एक महिला, वहाँ पर एक समूह है, जब पीरियड्स के दौरान उन्हें चट्टानों पर बैठने के लिए कहा जाता है और उसी दौरान एक महिला ने कपड़ा यूज़ किया था, कपड़ा रीयूज़ किया तो उस कपड़े में सांप के छोटे छोटे अंडे आ गए थे। उस छोटे छोटे अंडे वजाइना में डेवलप हो गए और बड़ी मुश्किल से उस महिला की जान बच सकी। तो ऐसे भी कई सवाल हैं कि जो मार्केट में जो सैनिटरी पैड बिक रहा है उसके मानक और इसके मानक में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, ये कितना अच्छा है, इस बारे में मैम आप, मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर आएँ और हम यहाँ पर बात करते हैं। इसको आप जिस तरह से आपने शुरुआत किया इस चीज़ का, ये काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसमें कई सारे सवाल भी होते हैं जी। प्रैक्टिकली कैसे उस चीज़ को लिया जा सकता है, आप अच्छे से एक बार बता दीजिए। जब ये हमने स्टार्ट किया था तो आप देखिए इस तरह के हमने कपड़े लिए थे, इसके अंदर एक तह और डाल के, और इसके साथ हम नाड़ा भी देते थे और उसको यूज़ करना बताते थे, और इसको भी हम कहते थे कि वन टाइम ही आप यूज़ कीजिए और उसके बाद आप इसको जला दीजिए, क्योंकि ये सूती है, कॉटन है, तो इसको आप जला दीजिए। उसके बाद हम लोगों को कपड़े मिलना जब कम हुए तो फिर हमने इस तरह से कॉटन ख़रीदा मार्केट से, उसके वॉयल के कपड़े में इसको डालकर इसको यूज़ किया, और ये भी बहुत दिन तक हम नहीं सर्वाइव इस पर कर सके क्योंकि इसमें लीकेज की प्रॉब्लम थी, सब कुछ था। बाद में हम लोगों को लगा कि अब जब हम लोगों की ये सेवा बहुत चर्चा में आ गई, लोगों को अच्छा लगने लगा, तो हम लोगों को लगा कि कुछ ठोस चीज़ें, क्योंकि हम बांटने के बाद उनका व्यू भी जानना चाहते थे कि क्या उनको और हमसे चाहिए। तो जो बच्चियां थी तो इंटीरियर की पर पढ़ती थी, तो उनका कहना था कि मैम हम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ दीजिए ताकि हम स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में हम लोगों का थोड़ा समय निकल सके। तब हम लोगों ने इस तरह से पैड, आप देखिए ये इको फ्रेंडली पैड है, हम लोगों ने पैड भी वो चुना जो कि वातावरण के अनुकूल हो, क्योंकि हम इस विषय पर भी जागरूक करते आ रहे हैं। जितने भी ब्रांड या जो भी निकल रहा है, जो जितने भी पैड्स हैं उसमें बहुत देर तक सोखे रहने के कारण उसको केमिकल यूज़ किया जाता है ताकि काफ़ी देर तक वो सूखा रहे, तो पर वो कहीं ना कहीं यूट्रस में बहुत इन्फेक्शन लाता है और तकलीफदेह होता है। इसलिए हम लोगों ने वातावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली पैड चुना है जिसमें कि किसी भी तरह का केमिकल या प्लास्टिक नहीं है, और ये हम लोगों को दे रहे हैं। तो इसका जो हम लोगों को व्यू मिला वहाँ से उसका, वो ये था कि ये बहुत ही अच्छा है, ना किसी तरह की इचिंग है इसमें, ना उनको किसी तरह का तकलीफ होता है। और ये पैड भी हम उनको यही सलाह देते हैं कि यूज़ करने के बाद आप इसको फेंके नहीं, मिट्टी में गाड़े, क्योंकि ये डिसॉल्व हो जाता है, या आप जला दें, तो किसी तरह से कोई वो नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये इस तरह से हम 6 पैड जो है, जो एक्स्ट्रा लार्ज है वो 6 पैड डलते हैं और जो रेगुलर होता है वो 8 पीस डलते हैं। तो आज की डेट में ये अगर कोई ख़रीदता है हमसे तो 20 रुपये इसकी कीमत है, 20 रुपये जो कि मुझे लगता है भारतवर्ष में कहीं नहीं है, क्योंकि जो जन औषधि केंद्र में भी जो मिल रहे हैं वो जो जितनी हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई है लोगों से, वो भी 5 रुपये का एक पैड मिलता है, और ये हम 20 रुपये में 6 पैड दे रहे हैं और रेगुलर जो है वो 8, वो भी इसलिए दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये हम लोगों को बहुत सस्ते मिल रहे हैं इसलिए हम दे रहे हैं, चूँकि हमारा
काम ही यही है कि इस विषय पे जागरूकता लाना और इसकी लत लगाना, तो ये हम कुछ इसका हिस्सा हम वहन करें और लोगों तक अपनी सेवा पहुंचा सके, तो इसलिए हम इसको इतनी कम कीमत पे महिलाओं और बालिकाओं को मुहैया करवा रहे हैं। आप एक बार पैक करके उसको एक बार आप लोग काम करेंगे और पैक करके दिखाएंगे, ये कितना समय लग जाता है एक बनने में? ये एक दिन में इनके ऊपर है डिपेंड, जैसे अगर इनको कोई काम नहीं है तो वो एक दिन में 1000 पैकेट भी पैक कर लेती हैं, 100-100 के हम एक एक बोरे तैयार करते हैं ताकि जिस तरह से जहाँ से जो हम लोगों को रिक्वायरमेंट आए और वैसे हम वहाँ पैकेट्स अपने भेज पाएँ। रोज़गार के कैसे अवसर इसमें होते होंगे? रोज़गार ये जैसे जैसे ये जिस जिस दिन आती हैं वैसे इनको इसमें दिया गया है कि आपको एक पैकेट में, अगर आपने एक बोरे में 100 पैकेट पैक किए हैं तो आपको एक बोरे की कीमत 100 पैकेट की इतनी दी जाएगी, उस हिसाब से हम आपस में ही वहन करके जितने मेंबर्स हैं इनको उसी से हम पेमेंट भी देते हैं। तो जिस लगातार मतलब आप लोग डेली ये रूटीन में रहता होगा काम? जी डेली भी रहता है और अगर कभी कहीं से बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है तो फिर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में भी बनता है ये। इतने सालों में अब तक कितना मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है? जो फ्री डिस्ट्रीब्यूट है हुआ है वो 6 लाख से ऊपर हम कर चुके हैं। 6 लाख से ऊपर? हाँ जी 6 लाख से ऊपर कर चुकी है हमारी टीम, क्योंकि अब हमारे ब्रांचेस MP, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र में भी चल रहे हैं, इसलिए अब हम लोगों ने 6 लाख से ऊपर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जहाँ भी हमारा एक दिवसीय जागरूकता कैंप होता है फर्स्ट टाइम हमारे 100-150 पैकेट्स जिसमें 6 या 8 पीसेस होते हैं वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आपको नहीं लगता कि अवेयरनेस के प्रोग्राम जो होते हैं वो सिर्फ एक हद तक रह जाते हैं, क्योंकि आप मार्केट का ज़माना है, तो आपको कहीं ये ख्याल नहीं आया कि क्या इसकी मार्केटिंग होनी चाहिए या फिर कुछ ऐसा? बस यहीं से हमारी सोच थोड़ी अलग है, क्योंकि हम लोगों को भी मशीन मिल जाएगी ईज़िली, और बहुत लोगों ने हम लोगों से उम्मीद हम लोगों को दिलाई थी कि आप मशीन लगवा लीजिए और आप ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, पर जब हम लोगों ने सारे सदस्यों ने बैठ के इस चीज़ के बारे में सोचा तो अगर हम ये बनाते हैं, हमने ये देखा कि मशीन अगर हम लगाते हैं तो एक दिन में 50,000 प्रोडक्शन हम कर पाते हैं, उस 50,000 को हम एक तो रखेंगे कहाँ और उसको खपाएँगे कहाँ, तो उसमें क्या हो जाता है कि सीधा सीधा मार्केटिंग यानी हम व्यापार पे उतर गए, तो हम समाज सेवा से बिल्कुल अलग हो गए, हमारा जो उद्देश्य है हम उससे भटक रहे थे। फिर हम पूरी टीम हमारी यही करती कि इसको बेचना कहाँ है, तो हमारे जो संस्था का उद्देश्य यही था कि इस विषय पे जागरूकता लाना है और महिलाओं और बच्चियों को उसके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है ताकि वो इसके संक्रमण होने से बच सके, तो इसलिए हम लोगों ने उस मुद्दे से अपने आप को बिल्कुल हटा के पूरी तरह से सेवा पे हम आ गए कि हमें सेवा करनी है, निस्वार्थ सेवा, उसके लिए भले हम लोगों के जेब से हमारे 2 रुपए लगे पर हमको निशुल्क ये देना है। तो क्या सरकार की कभी नज़र पड़ी इन सब पे? अभी तक तो नहीं पड़ी है, अभी ये है कि बहुत जगह सम्मान प्राप्त हुआ है आप देख रहे हैं, पर कभी किसी ने ऐसा इंटरेस्ट नहीं दिखाया है कि आप ठीक है हम आपके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो हम लोगों को लगा कि हम कम करेंगे लेकिन करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। अभी जो लाल रंग मैंने चालू किया अभियान छोटी बच्चियों के लिए, अबोध से बोध की ओर इसका टॉपिक है, तो ताकि बच्ची इस पे इसलिए जोर दिया जा रहा है कि ये कोई गलत चीज़ नहीं है, अगर लाल रंग है तो ये आप बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश कर रही हैं, आपके माँ बाप जो है वो परिजन भी दिल और दिमाग से सुकून पे आ जाएंगे कि हमारी बच्ची बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन बच्चे तब सीखेंगे क्योंकि घर में जब ऐसी भ्रांतियाँ हैं, ऐसे धारणाएं बना दी गई हैं कि पीरियड्स आता है लड़की को, चाहे वो रात के 2 बजे हो चाहे 3 बजे हो, उसे ठंडे पानी से नहाना है। ये किसी एक समाज को लेकर के नहीं बोल रहा हूँ, सबको लेकर के बोल रहा हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो मंदिरों में प्रवेश वर्जित है, मतलब मैंने पहले भी कहा था कि जो परंपराएं हैं वो इंसान की व्याख्या से आगे बढ़ती, जैसे कि कई जगह पे पुरुषों को भी जाना अलाउ नहीं है, कई जगह महिलाओं को, वो सब चीज़ें धीरे धीरे किस तरह से होंगी
वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहला मेरा ये मुद्दा है कि जिस तरह से रात बिरात इस तरह से पीरियड्स होना और लगातार उसको नहलाना बाल धो करके, तो ये क्या सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बोलते। बस ये जो पुरानी परंपरा चली आ रही है इसी को लोग अभी तक खींचे चले आ रहे हैं। जिस तरीके से लोग पहले कहा करते थे कि किचन में नहीं घुसना है, खाना नहीं बनाना है, उसको नहीं छूना, इसके पीछे लॉजिक ये था कि जो ये 5 दिन का समय होता है उस समय महिला या बच्ची एक अजीब तरह से जो शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं उससे गुजरती हैं, दर्द होना कुछ, और उनके अच्छा नहीं लगना शरीर को, इस तरह से उसको आराम करने के लिए ये चीज़ें बनाई गई थी ताकि वो 5 दिन उनको आराम मिल सके। इसलिए उनसे कहा जाता था कि आप किचन में मत जाइए, खाना नहीं छूइए, लेकिन इसको गलत रूप में कन्वर्ट किया गया कि मतलब ये इसको छुआछूत से जोड़ दिया गया कि अगर आप पीरियड्स में हो तो वहाँ नहीं छुओगे, ये आप खाना छूते हो तो ख़राब हो जाएगा, पापड़ बड़ी छूते हो तो खराब, बिल्कुल भी नहीं। ये एक वैज्ञानिक रूप से कुदरती एक हमारे अंदर एक चेंजेस आते हैं, ये वो चीज़ है, ये कहीं से भी कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। तो इसी पे अब हम जोर दे रहे हैं। जहाँ तक मंदिरों में या भगवान को नहीं छूना, ये अपनी अपनी आस्था का है, ये अपनी आस्था की बात है, ये अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन आप किचन में नहीं छू सकते खाना नहीं, इसका इससे कोई भी लेन देन नहीं। तो विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन कहीं किसी कहीं आना जाना मेरे ख्याल से सामान्य होना चाहिए, वो चाहे अस्पताल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो संसद हो, किसी को भी। ना वहाँ पर कास्ट होना चाहिए, ना वहाँ पर क्लास होना चाहिए, ना वहाँ पर जेंडर होना चाहिए, इस तरह के कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए, ताकि वो सामान्य तरीके से। हम आपके हैं कौन एक फिल्म थी जिसमें गाना था कि हाय राम कुड़ियों का है जमाना, तो ये खुशी होती है कि वाकई धीरे धीरे कुड़ियों का जमाना, महिलाओं का जमाना आ रहा है। जिस तरह मैम ने कहा कि लड़कियों को और भी जागरूक होने की ज़रूरत है, बिल्कुल, वो स्वावलंबी बने, वो आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करें, वो बेहतर तबीयत की बने, वो अपने आप को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद बुलंदी से अपनी आवाज़ उठा सकें, इन सब की बेहद ज़रूरत है। धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी, धीरे धीरे विचारें बदलेंगे और तमाम सारी चीज़ें भी बदलने की कोशिश होती रहेगी। जो चीज़ गलत है, महात्मा गांधी कहा करते थे कि घर के खिड़की दरवाजे खोल दो, पर इतने भी ना खोलो कि कहीं घर भसक जाए। तो इसीलिए ज्ञान आता है तो आने दो, लेकिन उसे अपने हिसाब से, अपने तर्ज पे, अपने तर्क पे उसे रख करके अपने हिसाब से उसको सोचो कि वो कोई ज्ञान आ रहा है तो वो आपके बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है वो उसको बताओ। इस तरह से अवेयरनेस होगा, इस तरह से जागरूकता होगी, तो ये भले एक छोटा सा कमरा नज़र आ रहा होगा, लेकिन इस छोटे से कमरे में हमने सोचा कि बड़ी बात की जाए, और ये बड़ी बात चूँकि मुझे लगता है कि सफल हुई। अवेयरनेस की चीज़ों को लेकर के भी पत्रकारों को खबरें बनानी चाहिए। कुछ मैम यहाँ पर बैठी हुई हैं और आप मुस्कराइए नहीं, बिल्कुल आप ही लोग के वो पे हैं, आप लोगों ने काफ़ी समय से जुड़ी भी हुई हैं जी। अभी भी इस चीज़ को लेकर के एक शर्म वाली बात आती है, उससे निजात पाने के लिए काम तो आप लोग कर रही हैं, लेकिन कोई टाइम लिमिट कोई आइडिया नहीं है कि ये कब तक होगा, लेकिन ये होगा, ये आपको भरोसा है? हाँ, ज़रूर होगा। हम लोगों को भी मतलब बहुत साल हो गए करते, मैम के साथ ही जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अभी 28th को भी गए थे, स्लम एरिया वगैरह में सब जगह जाते हैं। आप लोग कहीं ऐसे देखते होंगे, कहीं ऐसे जगह पे जाते होंगे तो लड़कियां भी शर्मा जाती हैं, ऐसा होता है? हाँ, काफ़ी जगह होता है जहाँ मतलब ज़्यादा इंटीरियर एरिया में, पर वही फिर धीरे धीरे जब उनको बताया जाता है तो धीरे धीरे निकल के लोग आते हैं बाहर, तो काफ़ी लग रहा है कि चेंज होगा आगे। समाज में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमने बात की, क्या वो चीज़ें धीरे धीरे अब ख़त्म हो पाएंगी? ज़रूर होंगी, धीरे धीरे ज़रूर होंगी, ज़रूर। चलिए, ये यही भावना के साथ ये महिलाएं काम कर रही हैं। लगातार हम देख रहे थे कि किस तरह से पैड, सैनिटरी पैड को पैकेट्स में डाल करके उसे पैक किया जा रहा है, ये अब जाएंगे बंटने के लिए। और अब तक जिस तरह बताया 6 से 6.5 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं फ्री, कोई कीमत नहीं है इसकी, ये फ्री हुए हैं। अगर इसकी कीमत की बात करें तो इसमें 6 पीस होते हैं, इस 6 पीस की इस पूरे पैकेट की कीमत 20 रुपये है, तो वाकई में ये काफ़ी सस्ता है।
बाकी मार्केट से, बाकी मेडिकल स्टोर से जहाँ पर आप लेते हैं। मानक के बारे में मैडम ने बताया कि किस तरह बाकी सैनिटरी पैड से इस सैनिटरी पैड में क्या अंतर है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को लेकर के वाकई खबरें होनी चाहिए, वाकई स्टोरीज़ होनी चाहिए। ये आपसे और हमारे बीच का जुड़ा मुद्दा है। अगर हम इस पर शर्म करके दरकिनार कर लेंगे तो शायद ये चीज़ें कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, शायद इन चीज़ों से शर्म का पर्दा कभी नहीं हट पाएगा। सीमांत कश्यप के साथ फैज़ान, शुक्रिया।